विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि विद्यालय में विद्या की देवी माँ सरस्वती साक्षात विद्यमान रहती हैं। लेकिन आजकल उसी विद्या के मंदिर में कभी छात्र छात्राएं गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी स्कूल के शिक्षक ही अपने स्कूल के छात्रा के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार का एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने अपनी ही स्कूल की रसोईया के साथ बदसलूकी की है, यानी उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। बता दी कि रसोईया की गलती बस इतनी थी कि वो अपना बकाया पैसा मांगने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास गई हुई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वहां जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। वहां प्रिंसिपल साहब ने पैसा देने के बदले उसके साथ पहले तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया, और जब महिला वहां से भागने की कोशिश की तो प्रिंसिपल साहब ने गुस्से में आकर उसके शरीर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई। उसके बाद पीड़िता महिला अपनी शिकायत को लेकर स्थानीय थाने में गई और वहां प्रशासन से अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन वहां स्थानीय थाने के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज पीड़िता अपने पति के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची हुई है। आपको बता दें कि पूरी घटना 18 अप्रैल की है, जब उसके साथ न केवल दुष्कर्म का प्रयास किया गया बल्कि उस पर हमला भी किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वही आज प्रताप ने पति के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास गुहार लगाने के लिए पहुंची हुई है। बता दें कि स्कूल में रसोईया के पद पर कार्यरत सविता देवी द्वारा प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने बताया कि अपने वेतन के भुगतान के लिए जब वो प्रिंसिपल साहब के पास गई तो प्रिंसिपल के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब पीड़िता प्रिंसिपल से अपने को छुड़ाकर भागने लगी तो प्रिंसिपल साहब लोहे के रॉड से उसे मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता महिला ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी 2 साल से स्कूल में रसोईया के पद पर है, लेकिन आज तक उसे वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए पत्नी जिलाधिकारी महोदय से भी मिली थी। लेकिन जब वह स्कूल के प्रिंसिपल से वेतन के लिए गुहार लगा रही थी तो प्रिंसिपल के द्वारा उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया, और गलत करने में जब वह सफल नहीं हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने लोहे के रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। तो आपको बता दें कि दरअसल यह मामला जो है बिहार के भागलपुर जिले के साकुन थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय का है, जहां नियामतपुर की रसोईया के पद पर कार्यरत सविता देवी के द्वारा प्रिंसिपल पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।